धर्म गुरु और राजनीति का फर्क, उस पर बात करेंगे। इससे पहले मैंने बताया कि अयोध्या में शंकराचार्य ने एक संदेश दिया है कि प्रधानमंत्री अगर ब्राह्मण भी होते तब भी उनको राम जन्मभूमि का उद्घाटन नहीं करना चाहिए था। तो ये धर्म और राजनीति का फर्क। तो अभी हाल ही की बात है, मुकेश जी अंबानी के घर में शादी का कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, तो वहां पर शंकराचार्य खुद आए थे। तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए मुकेश जी अंबानी के पास शादी के कार्यक्रम में। तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री शंकराचार्य से मिलने आगे बढ़े तो शंकराचार्य अपनी कुर्सी पर विराजमान थे, बैठे थे। तो जब प्रधानमंत्री उनके पास करीब में आए तब भी शंकराचार्य जी ने अपनी कुर्सी से उठे नहीं। प्रधानमंत्री ने आकर उनको नमस्ते किया, प्रणाम किया। शंकराचार्य अपनी कुर्सी से हिले भी नहीं हैं। तो आपको मैं महत्व बता रहा हूँ धर्म गुरु का, शंकराचार्य का। तो शंकराचार्य जी ने एक हाथ से अपने गले से एक माला उन्होंने निकाली और प्रधानमंत्री को पहना दिया कुर्सी पर बैठे बैठे ही, और प्रधानमंत्री उनका आशीर्वाद लेकर हट गए। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि एक सबसे बड़े धर्म गुरु और प्रधानमंत्री की मुलाकात, प्रधानमंत्री आकर गुरु से शंकराचार्य से मिलते हैं तो वह अपनी कुर्सी से भी उठते नहीं हैं। तो ये एक अपने आप में एक मिसाल है, एक संदेश है, एक एग्जाम्पल है। मैं अपने जेब में इमाम जामिन रखकर फिरने वाले उलेमा को बोल रहा हूँ। मैं बड़ा क्लियर हूँ, मेरा संदेश बड़ा क्लियर है। मैं शिया कम्युनिटी के उलेमा से बात कर रहा हूँ।